कानपुर में परचून की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना, एक महीने के भीतर दूसरी बार चोरी, सीसीटीवी में चोरी की वारदात हुई कैद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सभी फरियादियों की शिकायतें सुनी, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दरबार कार्यक्रम। बहन बेटी को छेड़ा तो चौराहे पर ठोक देगी पुलिस, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों को दी चेतावनी। हापुड़ में किसान से रास्ता खुलवाने के लिए लेखपाल ने किसान से ली 1500 रुपए की रिश्वत, धोलाना तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। संत कबीर नगर में दुल्हन की जगह बेटी ने दूल्हा बनकर निकाली बारात, माता पिता को बेटा ना होने को लेकर था अफसोस, पूजा ने दूल्हा बनकर पूरा किया माँ बाप का सपना। शामली में यमुना नदी से अवैध रूप से बालू खनन जारी, अवैध खनन पर नहीं हो रही कोई कार्यवाही, कैराना के मंडावर में यमुना नदी का बड़ा मामला। तेलंगाना में रंगा रेड्डी जिले में एक महिला का उसके घर से 100 लोगों ने अपहरण कर लिया, माता पिता ने कहा 100 युवक घर में घुसे, फर्नीचर तोड़ा और बेटी को उठा कर ले गए। लखीमपुर खीरी अधिकारियों के सामने किसान नेता श्याम शुक्ला ने अर्धनग्न होकर खोली भ्रष्टाचार की पोल। लखनऊ के गोमती नगर में ट्रांसफर में लगी भीषण आग, गोमती नगर थाने पहुंचकर लोगों ने दी आग की घटना की सूचना। मैगलगंज खीरी में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन पर पुलिस प्रशासन ने बरसाई लाठियां। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।